द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। महाराष्ट्र की सियासत में फिर से बड़ा भूचाल आया है। इस वक्त की खबर यह है कि महाराष्ट्र महायुति यानी एनडीए सरकार सत्ताधारी पार्टी के बीच इतनी बड़ी खटपट हुई है जिसके बाद इस सरकार की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। यह सरकार चुनाव से पहले पहले तक भी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, या फिर इस बार के चुनाव में इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा, इस खबर ने इस बात पर मुहर लगानी भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट बेहद दिलचस्प है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बैठक कर रही थी और इस बैठक में अपने पदाधिकारियों को खुला छूट दिया कि भैया बोलो क्या दिक्कत है। और यहीं पर बीजेपी के एक नेता ने, एक पदाधिकारी ने कहा कि सबसे पहले अजीत पवार को इस गठबंधन से बाहर करो, नहीं तो बीजेपी तबाह हो जाएगी। और ऐसे में यह बयान एनसीपी को इतना खराब लगा है कि उन्होंने भी कांड करने शुरू कर दिए, काली पोतने के लिए दौड़ पड़े, मारने पीटने के लिए दौड़ पड़े। और इतना ही नहीं, इस गठबंधन को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई उसका असर तो आपने देखा भी। लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में बुरी तरीके से पिट गई। यहां पर हालत यह हो गई कि इन लोगों को जो उम्मीदें थी उस पर पानी फिर गया, सीटें भयंकर कम हो गई। जो महाविकास अघाड़ी है, जिसे आप महागठबंधन या इंडिया गठबंधन कहते हैं, उन लोगों को महाराष्ट्र की सियासत में जनता ने सिर आंखों पर लोकसभा चुनाव में ही बिठा दिया है। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनौती हो गई है कि क्या विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी अजीत पवार के रहते, एकनाथ शिंदे के रहते अपनी नैया पार लगा पाएगी, या फिर पवार को वाकई बाहर फेंक देने की जरूरत है। इस रिपोर्ट ने अजीत पवार को भी बेचैन किया है क्योंकि अजीत पवार का कद इस हिसाब से घटा दिया गया है कि मात्र एक सीट जीते और कुछ भी नहीं मिला, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई जगह नहीं दी गई, जिसके बाद वो निराश तो चल ही रहे थे। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब खुली छूट मिली कि भाई बोलो क्या दिक्कत है, तो अजीत पवार को ही भगाने की बात सार्वजनिक तौर पर कह दी गई। क्या कहा गया है रिपोर्ट में, आइए दिखाते हैं। यहां कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र एनडीए में फिर खटपट, अजीत पवार को बाहर करो, भरी बैठक में बीजेपी नेता की मां, एनसीपी बोली माफी मांगो। अब क्या हुआ है इस खबर को समझना पड़ेगा, क्या कहा जा रहा है जरा देखिए। महाराष्ट्र में एनडीए के भीतर फिर से खटपट दिखने लगी है। भाजपा नेता ने ऐसी मांग की है जिससे लग रहा है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। यहां पर कहा जा रहा है कि पुणे जिले के शिरूर के एक भाजपा पदाधिकारी ने डिप्टी सीएम अजीत पवार और उनकी एनसीपी को सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन से हटाने की मांग की है। यहां बताना जरूरी है कि महाराष्ट्र के इस एनडीए गठबंधन में शिवसेना, एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं। अब ऐसे में जो यह बात कही गई है वो है भाजपा नेता और शिरूर तहसील के उपाध्यक्ष सुदर्शन चौधरी, उन्होंने ही पार्टी की बैठक में यह डिमांड रखी है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। एग्जैक्टली उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा, उस वीडियो में क्या बयान दिया है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। इन्होंने अपने इस वीडियो के दौरान जो बातें कही, जा देखिए कि बैठक के दौरान सुदर्शन चौधरी ने वीडियो में भाजपा नेतृत्व से कहा, आपके लिए मेरा यह एक सुझाव है, सुनिए कि पार्टी कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं। अगर आप वाकई कोई फैसला करना चाहते हैं तो अजीत पवार को महायुति सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन से हटा दीजिए। और यही बात एनसीपी को इतनी चुभी है कि वो बेचैन होकर चौधरी को मारने के लिए दौड़ पड़े। यहां कहा जा रहा है कि बैठक में उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में मौजूद सुभाष देशमुख, राहुल कुलकर्णी और योगेश तेलेकर जैसे वरिष्ठ नेता मंत्री बन सकते थे और अन्य को राज्य संचालित निगमों का प्रमुख बनाया जा सकता था अगर अजीत पवार सत्तारूढ़ दल का हिस्सा नहीं होते तो। यहां पर खुली बगावत इसे ही कहते हैं और यह बगावत बहुत दिनों से चल रही है। शुरुआत में जब अजीत पवार की एंट्री हुई थी तो एकनाथ शिंदे के साथ खटपट की स्थिति बीजेपी की थी। एकनाथ शिंदे के विधायक शिंदे पर दबाव बनाए हुए थे कि भाई 40 लेकर आए, हम लोगों को कुछ मिला ही नहीं मंत्रिमंडल में, तो हमें जगह चाहिए। लेकिन बीजेपी कोई रिस्क लेने के मूड में थी नहीं, सबको मंत्री बना देती तो मुश्किलें खड़ी हो जाती।
तो शिंदे के विकल्प के तौर पर पवार को साथ में को लाया गया। पवार का बेटा पवार से बोला कि पापा कब तक डिप्टी सीएम रहोगे, फिर डिप्टी सीएम बन गए और डिप्टी सीएम बने हैं तब से इनके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, बेचैनी इनकी बढ़ती जा रही है और कारण यही है कि बीजेपी ने अब अजित पवार के खिलाफ मन बना लिया है। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कुछ तो फैसला होने वाला है। वीडियो में चौधरी साहब ने क्या और कहा यह भी जानना जरूरी है क्योंकि उनके ही बयान ने महाराष्ट्र के सियासत में भूचाल ला दिया है। कहा जा रहा है कि भाजपा नेता चौधरी ने दावा किया कि भाजपा पिछले 10 सालों से अजित पवार का विरोध कर रही थी लेकिन अब उप मुख्यमंत्री के हाथों में सत्ता होने के कारण कार्यकर्ता डरे हुए हैं। तहसील के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि उन्हें ऐसी सत्ता नहीं चाहिए जिसमें अजित पवार शामिल हों। वीडियो में चौधरी ने आगे कहा अजित पवार को सत्ता में क्यों लाया जाए क्योंकि वह आदेश जारी करेंगे और भाजपा कार्यकर्ताओं को दबाएंगे, इस वजह से उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दी है। अब भाजपा नेता कह रहे हैं कि भाई मीटिंग थी, मीटिंग में बोलने की आजादी थी तो सबने बोला है, लेकिन एनसीपी कार्यकर्ता इस बात को लेकर काफी भड़क गए। एनसीपी के नेताओं ने एकदम रौद्र रूप धारण कर लिया लेकिन महाराष्ट्र के इस सियासी संकट को वो छिपा नहीं पाए। कहा जा रहा है कि अब बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं अजित पवार एनडीए में, उनकी विदाई ही लगभग तय होने वाली है। एनसीपी ने क्या बदतमीजी की है वो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर। कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि इस मुद्दे पर पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा नेता चौधरी ने कहा कि शिरूर में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी इच्छा व्यक्त की। इस बीच जब चौधरी पत्रकारों से बात कर रहे थे तब अजित गुट के एनसीपी के कई नेता और कार्यकर्ता कृषि उपज बाजार समिति एपीएमसी परिसर में पहुंचे और उनके खिलाफ नारे लगाए। इतना ही नहीं, एनसीपी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम के खिलाफ दिए बयान को लेकर चौधरी को माफी मांगने को कहा और साथ ही उन्होंने चौधरी के चेहरे पर काली पोतने की कोशिश की लेकिन वो भागने में सफल रहे। जिसके बाद अब यहां पर बवाल यह मच रहा है क्या एनडीए में अजित पवार टिक पाएंगे, इतनी बेइज्जती के बाद भी क्या वो टिक पाएंगे यह एक देखने वाली बात होगी। महाराष्ट्र की सियासत में उनकी बेचैनी बढ़ने वाली है और अगर एनडीए में अजित पवार रहते हैं तो क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई फायदा मिलने वाला है, यहां समस्या विकराल होती जा रही है। कहा जा रहा है कि चौधरी साहब के बयान के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को बुलाना पड़ा और फिर भाजपा नेता सुदर्शन चौधरी ने भी अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की कि क्यों उन्होंने अजित पवार को बीजेपी से बाहर एनडीए से बाहर करने का ऐलान करवा दिया था। अब कह रहे हैं कि यह तो मेरी व्यक्तिगत राय है, बाकी पार्टी का स्टैंड जो भी हो, लेकिन यह खबर तब तक फैल गई और फिर जो महाराष्ट्र एनडीए गठबंधन है उसके भीतर जो कलह है, अंदरूनी कलह, वो एकदम खुलकर सतह पर आने से यह साफ हो चुकी है तस्वीरें कि महाराष्ट्र की एनडीए सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान कोई बड़ा फैसला ले सकती है और इसमें अजित पवार की भूमिका खत्म हो सकती है। अजित पवार के पास क्या विकल्प होगा? उनके पास विकल्प यही होगा कि वो वापस चाचा के पास जाएं, लेकिन क्या चाचा उनका साथ देंगे यह भी एक बड़ा सवाल होगा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी तारीफ अजित पवार की होनी चाहिए थी लेकिन अजित पवार की तारीफ की बजाय अब उनकी फजीहत एनडीए में हो रही है क्योंकि उन्हें विकल्प के तौर पर लाया गया था लेकिन अजित पवार के साथ सिस्टम खेल हो गया है। सिस्टम खेल मतलब सिस्टमेटिक खेल यही है कि पवार सिर्फ ऑप्शन थे, अब इनकी जरूरत नहीं। बीजेपी से आवाज उठी है तो शीर्ष नेतृत्व को भी कोई ना कोई फैसला तो लेना ही पड़ेगा। इंतजार कीजिए कि कब महाराष्ट्र में यह सियासी भूचाल आता है और एनडीए फिर बिखर जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।